हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट इन 2024। तो बस 2024 में स्टेप एंड प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है, और आप इंस्टाग्राम पे कम्प्लीटली बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे आपको अपना अकाउंट यानी कि कैसे क्रिएट करना है, स्पेशली जो प्रोफेशनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर वो आपको कैसे क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अगर आप ग्रो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे आप अपना फॉलोअर्स बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर आप पैसे कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर गाइस आपको अपने इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल अकाउंट का होना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम पर पैसे जमा कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, अपने को वायरल कर सकते हो। अलग अलग आपको ऑप्शन सेटिंग्स देखने को मिलती है। इंस्टाग्राम पे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक प्रोफेशनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पर गाइस आपको सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप टाइम पास कर सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट में। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है पैसे कमाने के लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट ही क्रिएट करना होगा। तो लेकिन अगर आप कंप्लीटली बिगिनर और आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम पर आपको प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना जो ओल्ड अकाउंट है उसे मैंने यहाँ से लॉग आउट कर लिया है। अब डायरेक्टली यहाँ पर मैं एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने वालों। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आना है, और यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट। तो जब भी आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हो आपको यूजर इंटरफेस इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएशन के लिए यहाँ जाना है, फिर आपको डाउन साइड में अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। लेकिन यहाँ पर गाइस आपको मोबाइल नंबर वही यहाँ पर रखना है जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, तो बिकॉज इससे और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना भी चाहिए, बिकॉज उस पर आपको एक ओटीपी आता है, ओटीपी होने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंफर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर गाइस आपको दो चीज़ों से आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो अपने मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या तो अपने ईमेल आईडी से भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और ईमेल आईडी से भी अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पर गाइस आपको वो ईमेल आईडी आपके गूगल में आपको लॉगिन होना चाहिए, बिकॉज सब तो सबसे पहले आप एक ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लीजिए जीमेल में जाके, और जीमेल में जाके आपको अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, उसके बाद वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो आप दोनों ऑप्शन आपको मिलता है, मोबाइल नंबर से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, दोनों में आपको सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करूँगा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक रिकमेंड देना चाहता हूँ, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूज़ करना चाहते हो तो आप मोबाइल नंबर का ही यूज़ करके अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करिए। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर टाइम पास के लिए अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप अपना ईमेल आईडी से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ही एंटर करना है। तो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल नंबर से यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर पर यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया है, और मेरे इस मोबाइल नंबर पर मुझे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। OTP मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको अपना नाम यहाँ पर सेट करना है, जो भी नाम आप यहाँ पर रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहित, तो यहाँ पर आपको अपना रियल नेम लिखना है, रोहिल जाधव, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर गाइस आपको पासवर्ड जो है वो आपको ऐसा सेट करना है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, उसको एज अ पासवर्ड के बेसिस पे यूज़ मत करिए, बिकॉज इससे आपके अकाउंट का हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हो तो आपको पासवर्ड ऐसा रखना है जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो और नंबर भी हो। जैसे कि एग्जाम्पल के केसेस में, जैसे मेरा नाम है रोहित $345, राइट, या तो अमन @849 या राज $846, तो आपको इस टाइप का पासवर्ड सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर भी है। तो यहाँ पर जो पासवर्ड मैं सेट करने वाला हूँ वो उस सेम वैसा ही पासवर्ड यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो इस पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो लॉगिन इन्फो है इसको आपको सेव करना है, सेव करना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेट करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखाया जाएगा, चाहे तो आप अपना कुछ और यूजर नेम भी आप यहाँ पर रख सकते हो। जो भी यूजर नेम आप यहाँ पर रखो, मेक श्योर जब भी आप रखो तो यहाँ पर आपका ये राइट वाला साइन आना चाहिए। अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप यहाँ पर यूजर नेम जो रखोगे यहाँ पर आपका राइट का साइन है, तो वो यूजर नेम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम वही रखना है जो यहाँ पर राइट होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद आपको इंस्टाग्राम के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करके। और फाइनली जो है गाइस आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट है वो अभी फिलहाल आपका सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हुआ है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसे प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज करना होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जब भी आपको ये प्रोफाइल, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फोटो सेट करना है जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम सा फोटो रख रहा हूँ, तो लेट्स एग्जांपल के केसेस में यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम सा फोटो रख रहा हूँ, कोई भी रैंडम सा फोटो, तो यहाँ पर मैंने फोटो लिया है और उसके बाद मैंने इसे सेट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आई शो शेयर दिस पिक्चर एज अ पोस्ट, तो इसे आप चाहे तो ऑन कर सकते हो, ऑफ रख सकते हो, आपके ऊपर है। आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे
अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर अपने फेसबुक से कनेक्ट करना तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट को भी अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड भी एंटर करना होगा, तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी पोस्ट आप इंस्टाग्राम पर करोगे वो आपका फेसबुक पर भी शेयर होगा। फेसबुक पर भी जो इंस्टाग्राम पर आप रील्स को अपलोड करोगे वो आपके फेसबुक पर भी वायरल होगा। और इंस्टाग्राम से ज़्यादा फेसबुक पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है इससे आपका ग्रोथ जो है वो इंस्टाग्राम का जो रील्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े ऑडियंस पे, इंस्टाग्राम के ऑडियंस के साथ साथ आपके फेसबुक के ऑडियंस तक भी पहुंचेगा, तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो फेसबुक का पासवर्ड आपको एंटर करना है और दोनों इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बिकॉज इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम पे नहीं। फिलहाल यहाँ पे मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो मेरे ऑलरेडी मेरे दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैं उसे कनेक्ट नहीं करूँगा। तो फिलहाल अभी मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, तो फिलहाल इसे मैं कट करूँ ओके एंड इसे मैं स्किप करूँगा। लेकिन आपके केसेस में आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे भी मैं इसे स्किप करूँगा और यहाँ पे आपको जिसको भी फॉलो करना है आप यहाँ से उसे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली गाइस आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट जब भी आप क्रिएट करोगे तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है। अभी यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये आपका इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है। अभी इसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर अभी अकाउंट क्रिएट होगा, अब इसके बाद इसे प्रोफेशनल बनाना है। प्रोफेशनल के लिए आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कंटिन्यू करना है, ये मेटा है इसे आपको कंटिन्यू करना है। तो आपका इंस्टाग्राम का सेटिंग आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स का एक ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये है गाइस मेन, जिसके बाद आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ से भी कंटिन्यू करना है, यहाँ से भी कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी के रिलेटेड आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अगर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करके पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो क्रिएटर सिलेक्ट करना है। वीडियो क्रिएटर है इंस्टाग्राम रील्स के लिए, लेकिन अगर आपका कोई ब्लॉग का चैनल है तो आपको ब्लॉगिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या तो आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाता है। बट मोस्टली कैटेगरी में अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स को बनाना चाहते हो और वीडियो क्रिएट करके पैसे कमाना चाहते हो तो आपको वीडियो क्रिएटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे ऑन करना है, डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है 30 सेकंड्स का टाइम लेगा प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज होने के लिए। तो यहाँ पर आपको जस्ट वेट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेन सेटिंग है क्रिएटर और बिजनेस, तो आपको क्रिएटर अकाउंट सिलेक्ट करना है। बिजनेस उन लोगों के लिए जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस पेज सेटअप करना चाहते हैं तो उनके लिए। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर वीडियो क्रिएट करके पैसा कमाना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको यहाँ पर क्रिएटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसे भी आपको कंटिन्यू करना है, ओके करना है। और ये है गाइस एक और इन्फॉर्मेशन, तो ये है एक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने फेसबुक अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो। तो शेयरिंग अकाउंट्स वाला ऑप्शन है, तो अगर आप ये करते हो कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू करने के बाद या अगर आपका फेसबुक में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करके अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे आपको फेसबुक से कनेक्ट करना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आकर इस प्रोसेस को भी आप कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप बाद में भी कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है गाइस इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। और फाइनली यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अभी बस आपको अपने पेज को सेटअप करना है और अपने अकाउंट्स को, फिर उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है, रील्स यहाँ पे अपलोड करना है, रील्स अपलोड करते जाना है, रोज़ का आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो तो मेक श्योर आपको एटलीस्ट एक दिन में या दो दिन में आपको एक रील्स को पोस्ट करना है, इससे आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। तो अगर आप एक दिन अपलोड करोगे रील्स को और पाँच दिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका अकाउंट जो है वो बैन शैडो हो जाएगा, यानी कि शटडाउन हो जाएगा, फिर आपका जो इंस्टाग्राम है आपके अकाउंट को प्रमोट नहीं करेगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हो तो ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो इंस्टाग्राम है वो आपके रील्स को प्रमोट करता है। तो इसी तरीके से आपको प्रोफेशनल अकाउंट इंस्टाग्राम पर क्रिएट करना है। अब उसके बाद आपको अपने पेज को सेटअप करना है, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल जो भी आप सेट कर सकते हो, फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेकिन आपको उसके बाद यहाँ पर कई सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इनसाइट्स में जाके इंस्टाग्राम के सारे सेटिंग्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके इंस्टाग्राम में कौन कौन से यूजर्स, किस कौन से एज के यूजर्स आपके रील्स को वॉच करते हैं, कौन से कंट्री में आपके रील्स को ज़्यादा देखा जाता है, कौन से टाइम पर आपके ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप रील्स को अपलोड कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स आपको सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट्स में देखने को मिलती है, यहाँ पर अगर आप सारे सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हो। तो बस ये एक प्रॉपर तरीका है अपने इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने का। सो दिस विल हेल्प इन 2024।